हाय, वेलकम बैक टू सिंपली जेएस। अभी तक अपन नेक्स्ट जेएस के कोर्स में दो तीन चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो रिजर्व फाइल हैं उनका क्या यूज केस है, किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, और रिजर्व फाइल के बारे में बेसिकली आज अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और उसके बीच में आज अपन राउटिंग भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि राउटिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले अपन जाएंगे नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे अगर मैं ऐप राउटर रूट मैप पे क्लिक करूँगा तो अपन को जो मतलब जो नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर अपन चले जाएंगे। इसके बाद अगर राउटिंग के अंदर आप एंट्री मारेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पहले उन्होंने बताया कि ऐप डायरेक्टरी अपनी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है थोड़ा सा और नीचे फाइल कन्वेंशन का। इसको मैं इस तरीके से खोलूँ तो फाइल कन्वेंशन क्या है, नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड ए सेट ऑफ स्पेशल फाइल टू क्रिएट यूआई विद स्पेसिफिक बिहेवियर इन नेस्टेड राउट। नेस्टेड रूट के अंदर एक स्पेसिफिक बिहेवियर जब भी आपको देना होता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल फाइल नेक्स्ट जेएस ने बना के रखे हैं। एक एक करके मैं सबके बारे में बात करूँगा और एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन जाएंगे यहाँ वीएस कोड में। वीएस कोड के अंदर नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है। इसी को कल मैंने इसको खोला था, आज अपन इसको ऊपर काम करेंगे। तो अपने पास बेसिक अगर बात करें तो यहाँ पे SRC नाम से एक मेन फोल्डर है, उसके अंदर अपने पास ऐप नाम से है। तो इस ऐप को अगर खोलता हूँ तो यहाँ पे API नाम से फोल्डर है, API के अंदर हेलो नाम से है और हेलो के अंदर root.js नाम से एक फाइल है। ठीक है, इसके अंदर ये जो फाइल है इसके अंदर लगा हुआ है एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन गेट। यहाँ पे क्या है, गेट यहाँ पे मेथड होता है जो कि अपन सर्वर के अंदर जब भी अपन सर्वर के अंदर काम करते थे ना तो वहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट नाम से चार मेथड रहते थे। तो वो चार मेथड यहाँ पे लिखे जाते हैं, लेकिन ये सर्वर की बात है तो इसको अपन बाद में समझेंगे, अभी अपन क्लाइंट के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। तो अभी मैं इस API वाले फोल्डर को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट अपन API बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें पूरा बैकएंड का वो जो पूरा आइटम जो बैकएंड का है उसको अपन को इसके अंदर समझना है, लेकिन फ्रंट एंड को समझते हैं पहले भी। तो फ्रंट एंड के लिए अपन को यहाँ पे लेआउट के अंदर जो मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे global.cs को कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से अपना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो पहले तो मैं इसको रन कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि वो सारी जो फाइल हैं वो फाइल क्यों हैं, किस तरीके से काम करती हैं। और मुझे यहाँ पे CD माई ऐप के अंदर जाना होगा, इसके बाद मुझे यहाँ पे NPM रन डेव और ये अपना चालू हो जाएगा। तो इसको अपन यहाँ से कंट्रोल करके क्लिक करेंगे, ये चालू हो जाएगा अपना और ये थोड़ा सा समय लेगा, जो भी निकल के आना है जल्दी से आ जाओ। और ये अपना पेज के ऊपर इस तरीके से लिख के आ रहा है क्योंकि अपन ने लिखा हुआ था ऐसा पिछली बार। अगर मैं यहाँ पे page.js में जाऊँ, यहाँ पे अपन ने इस तरीके से लिखा हुआ था इसीलिए अपन को ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे अपना जो पेज है वो अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार चलते हैं यहाँ पे तो पेज देखने के लिए मिल गया। अब मैं जो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा हूँ, ये अपना कौन सा ऐप फोल्डर, ये मेन फोल्डर कौन सा, ऐप वाला। तो इस ऐप के अंदर एक फाइल है page.js। तो ये page.js क्या है, सबसे पहले बात बताऊँगा। अगर मैं इस page.js को रिप्लेस कर देता हूँ किसी और नाम से, जैसे मैंने पेज को पेजेस कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पेजेस कर दिया, इसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ और मैं रीलोड करूँगा, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिख के आया। और अगर आप इस जगह पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 404 दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, और यहाँ पे कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिला है। तो उसके लिए क्यों नहीं मिला है देखने के लिए, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ऐप के अंदर एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ उसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इस जगह पे यहाँ पे एक फाइल है notfound.js, मैं इस फाइल को क्रिएट करूँगा, ये रिजर्व फाइल है। यहाँ पे ऐप के अंदर एक नई फाइल होगी notfound.js eax, इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब js jsx ts tsx। यहाँ पे मैंने RAFCE किया और इस तरीके से इसको नॉट फाउंड कर दिया। यहाँ पे इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है कि आप क्या नाम दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्रिएट किया और फिर से मैं वापस आया और मैं इसको रीलोड दोबारा से करता हूँ। जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ आप यहाँ पे देखो नॉट फाइंड अपन को देखने के लिए मिला। तो यानी कि जब कोई चीज़ नहीं मिल रही है उसे, तो अब उसे मतलब किसी भी तरीके से उसको ऐसा नहीं है कि अपन को अलग से फाइल क्रिएट करके अलग से पूरा लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको एक स्पेशल फाइल बना के, यानी कि एक नई फाइल बनाओ जिसका नाम रख दो आप notfound.js।
अगर आपका URL मैच नहीं खा रहा है, यानी कि जो रूट है उस रूट का URL मैच नहीं है, तो ये वाली फाइल वो ऑटोमेटिक दिखा दी जाएगी। इसके अंदर कोई भी लॉजिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है अपना नॉट फाउंड। और पेज की जो मैं बात कर रहा था, पेज डॉट js, इसको भी आप यहाँ से समझो ध्यान से कि यहाँ पे जो आप किसी भी फोल्डर के अंदर बना रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, नेक्स्ट जेएस के अंदर जो भी काम होता है फोल्डर स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि जितनी भी राउटिंग दी जाती है वो सब फोल्डर स्ट्रक्चर के वे में दी जाती है। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूँ। यहाँ पे जो पेज नाम का फोल्डर है ना, एक कंपलसरी फोल्डर है, मतलब कंपलसरी फाइल है। अब एक क्यों है, जैसे मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, दोबारा से पेज कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो आपको मालूम है, इसको वापस से अगर मैं रीलोड करूँगा तो ये पेज अपन को दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझो, ये जो पेज नाम की फाइल है, हर एक फोल्डर जो जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस फोल्डर के अंदर एक पेज डॉट जे एस या पेज डॉट जे एस एक्स नाम से एक फाइल होनी ही चाहिए। अगर वो फाइल नहीं है तो उस फोल्डर यानी कि उस रूट के ऊपर कोई भी फाइल को रेंडर नहीं किया जाएगा। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि जैसे इस ऐप नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ अबाउट नाम से। अब मैंने अबाउट नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं अबाउट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप फोल्डर देते हैं वो इसका रूट बन जाता है। अभी आपको समझाता हूँ डिटेल में। अबाउट के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखो नॉट फाउंड मिल रहा है। अब नॉट फाउंड देखो कौन सा मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, देखना ए वाला, ये जो अपन ने यहाँ पे बनाया है ना। अब ये क्यों मिल रहा है, ये करता है हायरार्की फॉलो। हायरार्की क्या होता है, हायरार्की क्या होता है कि आपका पेरेंट है हायरार्की। पहले आपको हायरार्की के बारे में आपको समझा देता हूँ। हायरार्की क्या होता है कि जैसे मेरे पिताजी हैं, अब मेरे पिताजी ने अपने पूरे जीवन भर काम किया, जीवन भर में काम करके उन्होंने एक पैसा बनाया, कुछ इज्जत बनाई। अब जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म लेते ही मुझे वो इज्जत, वो पैसा, वो नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत जो भी है, वो सारी चीज़ें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही इनका होता है कि ऐप इसका पेरेंट एलिमेंट है, बना दिया इन्होंने पेरेंट फोल्डर। इसके बाद इसके कितने हैं, चाइल्ड फोल्डर हैं। अगर इस चाइल्ड फोल्डर का अपना खुद का कुछ नहीं है, जैसे अगर मेरी खुद की कोई इज्जत नहीं है, अगर मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं किसके नाम से जाना चाहूँगा, अपने पिताजी के नाम से। तो ऐसा ही इन्होंने किया कि अगर अबाउट का कुछ भी अगर चीज़ मिसिंग है, अबाउट के अंदर अगर नॉट फाउंड नाम की फाइल नहीं है, तो इस वाली नॉट फाउंड का अपन एग्जिस्टेंस दे देंगे। अब अगर अबाउट के अंदर अगर मैं इसकी अकेले की इसकी अगर मैं स्पेशल से अगर नॉट फाउंड डॉट जे एस एक्स नाम से कुछ बना दूँ, और मैं यहाँ पर आर ए एफ सी ई, और यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से और कंट्रोल जेड, इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट फाउंड फ्रॉम अबाउट डॉट जे एस एक्स। तो अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो रीलोड, अभी रीलोड करने पे अपन को क्यों नहीं दिखा इस चीज़ को, मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं पहले तो मैं इसको लोकल होस्ट यहाँ पे जाऊँगा, पेज देखने के लिए मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अबाउट पे। अब यहाँ पे अपन को मिल रहा है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड देखने का मतलब है यहाँ पे कि आप इस नॉट फाउंड को आप इसने पेरेंट डिप के अंदर दिया। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और करता हूँ, मैं इस अबाउट के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, पेज डॉट जे एस, पेज डॉट जे एस, और यहाँ पे आर ए एफ सी ई के नाम से क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखो, मैंने पेज फाइल यहाँ पर भी है और पेज फाइल यहाँ पर भी, ये नॉट फाउंड काम नहीं किया। इसको अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधी बात ये समझो कि अभी पेरेंट का जो नॉट फाउंड है वो अपना एक्टिव हो रहा है और ए वाला अपना एक्टिव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने पेज डॉट जे एस को पेज डॉट जे एस नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और एक फाइल इस फोल्डर के अंदर है ऐप के नाम से। तो आप मुझे बताइए कि ए वाली फाइल चलेगी या ए वाली फाइल चलेगी अबाउट वाले उसके ऊपर जाने पे, रूट पे जाने पे। अगर मैं पेज फ्रॉम अबाउट डॉट जे एस एक्स लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे जाऊँगा, इस अबाउट को मैं रीलोड करता हूँ। मैंने रीलोड किया, यहाँ पे देखो पेज फ्रॉम अबाउट डॉट जे एस एक्स लिख के आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो राउटिंग है वो इस तरीके से परफॉर्म की जाती है कि आपने यहाँ पर राउटिंग दी तो वो उस फोल्डर के अंदर गया। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद उसने क्या देखा, उसने देखा कि अगर इसके अंदर पेज डॉट जे एस नाम से एक भी फाइल है तो उस फाइल का जो कंटेंट है वो मैं उसके अंदर लोड कर दूंगा। ध्यान से सुनना, पेज डॉट जे एस नाम की जो फाइल है केवल उस फाइल का कंटेंट लोड करूँगा, बाकी किसी भी फाइल का मैं कंटेंट लोड नहीं करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ पे अबाउट इस तरीके से करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड, यहाँ पे अबाउट के अंदर इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे नॉट फाउंड देखने के लिए मिला। अब मैं इस अबाउट को किस तरीके से करूँ,
अब यहाँ पे अपने पास कोई इसका स्पेशल तरीका नहीं है जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। अभी इसका स्पेशल यूज केस दिमाग में नहीं आ रहा जिस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नॉट फाउंड है ना, ये नॉट फाउंड पेरेंट का अलग चलता है और इसका अलग चलता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और डीपली समझाने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, एक एरर डॉट जे एस नाम की फाइल बनाऊँगा। एरर डॉट जे एस, इसमें अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर देखो, एक होता है नॉट फाउंड डॉट जे एस, एरर डॉट जे एस ग्लोबल एरर। ग्लोबल एरर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्पेशल फाइल, इसको आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें और होती है, रिएक्ट एरर बाउंड्री और ये रिएक्ट सस्पेंस बाउंड्री। ये तब यूज की जाती है जब अपन एपीआई को कॉल करेंगे, इसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन इसकी जो बेसिक फाइल है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसको समझो पहले। यहाँ पे लोडिंग डॉट जे एस टेम्पलेट और लेआउट के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, पेजेस और रूट डॉट जे एस। पेज के बारे में आपको समझा ही चुका हूँ कि पेज क्या है। पेज नहीं होगा तो कोई भी उस रूट के ऊपर वो फाइल उसको लोड नहीं करेगा। रूट के बारे में बात करूँ तो रूट यहाँ पे एपीआई के अंदर होता है, तो अपन एपीआई वाली बात बाद में समझेंगे, लेकिन अभी अपन फ्रंट एंड के समझ रहे हैं। यहाँ पे एरर की बात करते हैं। अब एरर की बात क्या करना है, एरर का कुछ इस तरीके से रूल रहता है कि जैसे ऐप है, अब अगर माई ऐप के अंदर, ऐप के अंदर अगर मैं एक नई फाइल बना दूँ एरर डॉट जे एस, एरर डॉट जे एस, और इस तरीके से मैं इसके अंदर आर ए एफ सी ई, अब यहाँ पर एक कंपलसरी कंडीशन होती है एरर डॉट जे एस की कि आपको यहाँ पर इस तरीके से यूज क्लाइंट लिखना ही पड़ता है। अब ये क्यों लिखना पड़ता है, सवाल आया ना मन में कि अभी यूज क्लाइंट मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये क्यों लिखना पड़ता है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझो कि एरर डॉट जे एस नाम से है, और एरर डॉट जे एस आएगी कब, अब एरर डॉट जे एस कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एरर के अंदर एरर दिखाई कब देगी। अब यहाँ पर अपन को पेज फ्रॉम अबाउट डॉट जे एस, अगर मैं यहाँ से वापस अपने यू आर एल पर चलता हूँ यहाँ से इसके ऊपर, तो अपन को पेज दिखाई देगा। अब एरर कब दिखाई देगी, एरर को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो एरर को क्रिएट अपन किस तरीके से कर सकते हैं, एरर को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जो अपना सही तरीके से काम ना करे, वो मैं किस तरीके से ले सकता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर अगर आ जाए तो अपन काम बना सकते हैं। एरर के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको लेआउट के अंदर से काम करना पड़ेगा। लेआउट वाली फाइल कहाँ पर, ए रही लेआउट कौन सी फाइल है, लेआउट है अपनी मेन फाइल। अब लेआउट अगर अपनी मेन फाइल है तो यहाँ पे दिया गया है चिल्ड्रन, मैं इस चिल्ड्रन को क्या कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने इस चिल्ड्रन को अगर हटा दिया, इसके बाद अगर मैं रीलोड करूँगा तो आपको मालूम है यहाँ पे कुछ भी दिखाई देने को नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं करूँगा तो वो कोई भी फाइल लोड नहीं करेगा ना, फिर वो एरर डॉट जे एस है ना उसको भी लोड नहीं करेगा। अब एरर डॉट जे एस को आपको मुझे अगर समझाना है तो मुझे कुछ ना कुछ एरर क्रिएट करनी होगी। तो एरर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे पेज डॉट जे एस के अंदर एक यूज इफेक्ट को लोड कर देता हूँ, यूज इफेक्ट, और मैं इस तरीके से अगर कर दूँ तो अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाली एरर मिल जाएगी। ये मतलब एरर तो आ गई, लेकिन ये दूसरी एरर आई है। मैं जो एरर दिखाना चाहता हूँ वो एरर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे दिखाऊँ, लेकिन बस इतना समझ लो कि एरर डॉट जे एस एक ऐसी फाइल है कि जब भी आपको कोई पेज के अंदर इंटरनली एरर आएगी तो वो इस तरीके से ये वाली चीज़ अपनी लोड हो जाएगी। चलो मैं थोड़ा और डीप में घुस ही जाता हूँ, मगर मैं अंदर आ ही गया हूँ इसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा डीप टच देता हूँ मैं। देखो अबाउट है, अबाउट क्या है, अबाउट अपना कब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर अपन अबाउट पे जा रहे हैं तो अपन अबाउट पे जाने पे अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे पेज फ्रॉम अबाउट डॉट जे एस देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोल्डर बेस राउटिंग यहाँ पे हो रही है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपन ने राउटिंग का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अगर एक फोल्डर के अंदर आपने फोल्डर बनाया, राउटिंग हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, पेज डॉट जे एस में यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इम्पोर्ट और यहाँ पे एल आई एन के लिंक नाम से, यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर एक लिंक होती है उसको मैंने इम्पोर्ट किया। अब मैं इसको, अच्छा ये अबाउट वाला ही है क्या, तो इस अबाउट वाले को मैं अभी यहाँ से हटा लेता हूँ। इसको इसके अंदर जाना है, इस वाले के अंदर, और इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर इस डिव के अंदर की बजाय इसको मैं दूंगा लिंक में, और लिंक में इस तरीके से बंद कर दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा अबाउट फाइल। और यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे एरर अब मिली ना एरर देखने के लिए, वही मैं सोच रहा था एरर को किसी ना किसी तरीके से तो मुझे दिखाना ही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिल रही है, आपने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपने अलग से कोई लॉजिक डिफाइन किया हो या कुछ किया हो, अब यहाँ पर एरर आपको देखने के लिए मिल गई है आपने बिना कुछ किए। केवल आपने क्या किया, इसका जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के मतलब ये जो फोल्डर है ऐप नाम का,
इस फोल्डर के अंदर आपने क्या किया, एक एरर डॉट जी एस नाम से फाइल बना दी, केवल फाइल को बना दिया। उस फाइल को बना देने से और यहाँ पे यूज क्लाइंट लिख देने की वजह से वो एरर की फाइल रेंडर हो चुकी है। अभी यूज क्लाइंट अगर नहीं लिखते हैं तो क्या रेंडर नहीं होगी, चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसके बाद अगर मैं इसको रिलोड किया, यहाँ पे देखो अपन को एरर देखने के लिए नहीं मिल रही। अभी क्यों नहीं मिल रही है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और मैं अगर इसको दोबारा से यहाँ पे दिखाऊँ और इस तरीके से करूँ तो यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे चार एरर देखने के लिए यहाँ पे इस तरीके का मैसेज भी आता है, ये बहुत आपको रेलिवेंट वो देता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस में से एरर आई है, नेक्स्ट जीएस में से एरर आई है और यहाँ पे नेक्स्ट जीएस में से एरर आई है और यहाँ पे रिएक्ट के अंदर से एरर आई है। मतलब यहाँ पे तीन एरर, चार एरर आई हैं और इसमें से ये तीन एरर ऐसी हैं कि जो अपन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इसको अपन हैंडल करते हैं, मैं इसको अभी बंद करता हूँ। अभी एरर क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, उसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा पेज डॉट जी एस में। पेज डॉट जे एस में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिंक नाम का टैग है। अब लिंक के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे टू नाम से कोई चीज़ होती थी, इस तरीके से अपन इसके अंदर यू आर एल पास करते थे, है ना। लेकिन इन्होंने इसको रिप्लेस किया, इन्होंने बोला कि मैं इसको टू की जगह एच आर ई एफ दूंगा। अब एच आर ई एफ क्यों लाया गया, अब यहाँ पर बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। टू क्या करता था कि वो आपको इंटरनली एच आर ई एफ के अंदर वो कन्वर्ट करता था, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके से बनाया तो उन्होंने कहा कि एच आर ई एफ अपन को प्री फेच करके देता है, डेटा टू नहीं देता था। जब हम लिंक टू का यूज करते थे तो वो प्री फेच डेटा नहीं कर पाता था, क्योंकि वो रिएक्ट डॉम का फीचर था, तो वो रिएक्ट डॉम के हिसाब से चलता था। उसके बाद वो एक्चुअल डॉम के अंदर जब कन्वर्ट होता था तब वो एच आर ई एफ के अंदर कन्वर्ट होता था, इसलिए उसकी एस यू थोड़ी सी स्लो थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़ोर से फ़ायदा उठाया और उसका किया गया, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एच आर ई एफ ही पास कर दूंगा, जिससे डायरेक्ट अपना जो इस फाइल का डेटा है वो प्री फेच हो जाएगा। जब अपना पहला वाला पेज यानी कि जो होम पेज है, होम पेज अपना लोड होगा, उस समय ये वाला डेटा भी लोड हो चुका होगा। अपन को दिखता नहीं है लेकिन वो लोड हो चुका होता है। अगर मैं यहाँ पर स्लैश अबाउट दे दूँ तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि आपका ये जो अबाउट फाइल वाला है ये यहाँ पे पहले से लोड हो जाएगा। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आप उसके ऊपर जल्दी से पहुँच जाएंगे। कभी आप टाइमर लगा के चेक कर लेना मिली सेकंड में, तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा कितना अंतर होता है, माइक्रो सेकंड में मालूम पड़ेगा एक्चुअल में। मैं इसको अबाउट फाइल के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो अपन अबाउट वाली फाइल पे जा सकते हैं। इतनी आसान होता है इसके अंदर राउटिंग करना कि आपने इस फोल्डर का केवल नाम दिया और उस नाम देने के बाद वहाँ पे डिफाइन किया। अब यहाँ पे एरर डॉट जे एस आपको इसके अंदर, अगर मैंने यहाँ पे अबाउट के अंदर एरर डॉट जे एस बना दी मैंने, अब जैसे एरर डॉट जे एस अगर मैंने यहाँ पे बना दी और मैं आर ए एफ सी ई और यहाँ पे एरर फ्रॉम अबाउट फाइल अबाउट फोल्डर इस तरीके से अगर मैं कर दूँ, तो अब आप यहाँ पे देखो कि अब मुझे यहाँ पे इस वाली फाइल के अंदर एरर जनरेट करनी पड़ेगी, तब ये वाला एरर डॉट जे एस नाम की फाइल क्रिएट जो वो होगी, मतलब उसके ऊपर वैलिड होगी, इस तरीके से वो आएगी। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, अभी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ऐप नाम का एक मेन फोल्डर है, उस मेन फोल्डर के अंदर आप जो फोल्डर बनाते हैं वो उसका रूट बन जाता है। अब इस हर एक फोल्डर के अंदर के फोल्डर देखे जाते हैं, ऐप अपना मेन फोल्डर है। जैसे अगर इसके अंदर फाइल नहीं है एरर नाम से, इसके अंदर अगर एरर डॉट जे एस नाम से फाइल नहीं है तो ये वाली चल जाएगी, इसके अंदर अगर नॉट फाउंड नाम से फाइल नहीं है तो ये वाली फाइल चल जाएगी, इसके अंदर अगर पेज डॉट जे एस नहीं है तो वो कोई नहीं चलेगा, फिर एरर आ जाएगी, फिर एरर ही आ जाएगी। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से एक बार मैं फिर से वही कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसको किया और मैं यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे लिंक टैग के अंदर रैप कर देता हूँ और मैंने इसको लिंक टैग के अंदर रैप कर दिया। अभी यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे मैं अबाउट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं अबाउट फाइल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो एरर देखने के लिए मिला। लेकिन ये एरर मिला कहाँ से, एरर आपको देखने के लिए मिला पेरेंट डिप से, इसको मतलब चाइल्ड से नहीं मिला, मतलब इसका अपना एक एरर नहीं है, इसका अपना कोई एरर नहीं है, इसको चाइल्ड जो अपने इसका पेरेंट डिप है इसके अंदर से इसको एरर मिला। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे इसमें क्या हो रहा है। इसके अंदर सबसे पहले आपने यूज क्लाइंट नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे इसको अंदर से सबसे पहले इसको यूज क्लाइंट करना चाहिए था, तो पहले यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एरर फ्रॉम अबाउट फोल्डर अपन को देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं हर एक फाइल, हर एक फोल्डर, हर एक रूट कहाँ पे आप जा रहे हैं, उस जिस रूट पे आप एक्सेस करवा रहे हैं, किसी यूजर को एक्सेस करवा रहे हैं, अगर उसने उस पर्टिकुलर रूट पे अगर उसने गलती से कुछ गलती दे दी
तो आप पर्टिकुलर एरर को शो करा सकते हैं। कितना मतलब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि जो आप पहले एक फाइल बनाते थे पर उसको अलग अलग फाइल के ऊपर अलग अलग लॉजिक के द्वारा आप उसको एक्सेस करवाते थे, सारी चीज़ें खत्म कर दी उन्होंने। बोला कि हर एक फोल्डर बना रहे हो, तो जैसे ही आपने एक नया फोल्डर बनाया तो ये समझो कि नई जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे मान चलो मैं मेरे एक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जैसे मेरे पिताजी हैं, तो अगर कुछ नहीं है मेरे पास या तो मैं कोई नहीं हूँ तो मेरे पास जो भी है या फिर जो भी मेरा नाम है या सौरत है जो भी है वो मेरे पिताजी की वजह से होगी। अब अगर मैंने अगर खुद का कुछ बना लिया तो जो भी है जैसा भी है सब मेरा ही होगा। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से बोला है कि जो ऐप नाम का फोल्डर है अगर कुछ भी नहीं है तो सब कुछ इसी का है। अगर ऐसा नहीं है तो हायरार्की फॉलो करते हुए जो अबाउट ने अगर अपना फोल्डर बनाया है यानी कि अपना रूट बनाया है तो अब जो भी होगा सब इसका हो जाएगा, इसका अपना अलग चलेगा। एरर डॉट जे एस इसकी अलग चलेगी, नॉट फाउंड अलग चलेगी, पेज डॉट जे एस इसकी अलग चलेगी, लेकिन पेज डॉट जे एस होना चाहिए। अब दूसरी फाइल आप सवाल आता है ना मन में कि क्या केवल एक ही फाइल होनी चाहिए पूरे फोल्डर के अंदर? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेज डॉट जे एस नाम से ही फाइल बनाओ। पेज डॉट जे एस केवल एक फाइल होना जरूरी है, कंपलसरी है कि हर फोल्डर के अंदर एक पेज डॉट जे एस या जे एस एक्स नाम से एक फाइल होना कंपलसरी है। अब मैं अगर यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स नाम से, तो और इसके बाद मैं उसको आर ए एफ सी ई कर दूँ, तो इस कॉन्टैक्ट डॉट जे एस नाम से बनाने से एक कॉन्टैक्ट नाम की फाइल जो है वो रेंडर नहीं हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन को पेज डॉट जे एस के अंदर इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर अपन इम्पोर्ट नहीं करते हैं तो इस कॉन्टैक्ट का जो डाटा है वो डेटा अपन एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन्होंने इतने सही तरीके से इसको अरेंज किया है ना कि जो कोड स्प्लिटिंग नाम की एक चीज़ होती है कि यहाँ पे एक जब भी आपने कभी सुना होगा कि अच्छे अच्छे जो डेवलपर होते हैं उनका कोड स्प्लिटिंग बहुत अच्छा होता है, उनका कोड ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करो, फिर उस प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर फाइल नेम दो, फिर नॉमनक्लेचर को फॉलो करो, वो फंक्शन के अंदर नॉमनक्लेचर फॉलो करो, हर एक चीज़ को एक एक बारीकी से ध्यान रखना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपका रिप्लेस कर दिया फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर को। उन्होंने बोला आप केवल फोल्डर स्ट्रक्चर, एक फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करो सिंगल, उसके बेस पे पूरा फोल्डर पूरी फाइल हैंडलिंग वो सब मैं कर दूंगा, पूरी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन उसकी मैं कर दूंगा। आप केवल एक चीज़ का ध्यान रखो, आप नॉर्मल क्लेचर का ध्यान रखो, वो भी केवल डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस बाकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसका उन्होंने पूरा लफड़ा खत्म कर दिया। बंडलिंग उन्होंने खत्म कर दी, मैनीफाइंग उन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने एक क्या मैं बोल रहा था कोड स्प्लिटिंग उन्होंने खत्म कर दी, प्री लोडिंग डेटा को उन्होंने खत्म कर दिया, प्री फैचिंग डेटा उन्होंने जो प्री लोडिंग कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट होता है कि प्री फैचिंग के उसमें कौन सा कोड जो है प्री फैच होना चाहिए कौन सा कोड प्री फैच नहीं होना चाहिए, तो उसको भी उन्होंने मतलब हैंडल करवा दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने कर दी तो इसीलिए ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको कॉन्टैक्ट डॉट जे एस एक्स नाम से जो फाइल है उसको अगर लेना है तो कैसे लेंगे, यहाँ पे पेज डॉट जे एस नाम से फाइल है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो इस तरीके से लेना पड़ेगा इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट, और इस तरीके से ले लिया। इसका जो पहला लेटर है वो अपन को कैपिटल करना है, जस्ट बिकॉज किस वजह से, क्योंकि अपन को इसको एज अ फंक्शन इसको कॉल करना है। अगर आप इसको कैपिटल लेटर नहीं करोगे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अपन ने रिएक्ट जेएस के अंदर पढ़ा था, लेकिन उन्होंने इसके एक कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया है कि आप जो भी वो बना रहे हो फंक्शन बना रहे हो इस फंक्शन का कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप पहला लेटर कैपिटल करो। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कर दी, ये बहुत ही अनोइंग चीज़ लगती थी मुझे, तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कर दी। अब अगर अपन कॉन्टैक्ट पर जाएंगे, अबाउट पर जाएंगे यहाँ पर, तो अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एरर फ्रॉम अबाउट फोल्डर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पेज डॉट जे एस के अंदर अपन ने लिंक लिया है। अगर मैं यहाँ पे एच आर ई एफ दे दूँ और यहाँ पे जो होम रूट है उसके ऊपर अपन वापस भेजना चाहते हैं, तो इस तरीके से अगर मैं दे देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँगा अब तो यहाँ पे पेज फ्रॉम अबाउट डॉट जे एस और कॉन्टैक्ट मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो वापस से अबाउट फाइल पर, यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ से अबाउट डॉट जे एस एक्स फाइल पर। तो कितनी ईजिली अपन ने राउटिंग यानी कि जो पहले कितना मतलब अपन को करना पड़ता था कि पहले रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करो, फिर उसका सेटअप बनाओ, फिर उसके हिसाब से कोड लगो, फिर उसको राउटर के अंदर बंद करो, फिर राउटर के अंदर ऐप डॉट जे एस एक्स को बंद करो, फिर उसके बाद ऐप के अंदर फिर मल्टीपल चीज़ें करो, फिर उसके अंदर ऑथेंटिकेशन लगाओ, मतलब एरर डॉट जे एस अगर आपको दिखाना है तो आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आपको अगर लोडिंग के बारे में तो अभी बताया ही नहीं है मैंने, लोडिंग के बारे में और बताता हूँ कि लोडिंग डॉट जे एस क्या है।
और उसके बारे में बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर देखो, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर बनाऊँगा ऐप के अंदर कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऐप के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ लोडिंग डॉट जे एस एक्स, तो और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ आर ए एफ सी ई, और यहाँ पे अच्छा मैंने इतना सब बताया, इसके बीच में एक चीज़ मत भूल जाना कि ये जो एरर डॉट जे एस है ना, एरर डॉट जे एस किधर गई, एरर डॉट जे एस, इसमें अपन को यूज क्लाइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। और एक क्यों लिखना ज़रूरी है, यूज क्लाइंट क्या होता है वो अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एरर डॉट जे एस के अंदर लिखना ही पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनना और समझना और लिख भी लेना चाहो तो। अब यहाँ पर लोडिंग डॉट जे एस मैंने बनाई, इसका मतलब क्या है, अगर मैं जैसे यहाँ पर अबाउट नाम की फाइल पर हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने इसके ऊपर किया क्लिक, क्लिक करने के बाद बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लोडिंग आया था, मैं अबाउट फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं आया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे देखना बीच में अभी लोडिंग आएगा, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखो लोडिंग फिर से नहीं आया, मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, लोडिंग आना चाहिए इसके अंदर, मैं इसको रीलोड किया, इसके बाद मैं क्लिक किया, लोडिंग देखो लोडिंग आया था ना, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा लोडिंग यहाँ पर आया था। लोडिंग कब, लोडिंग ये जो फाइल आप बना रहे हैं वो कब आती है, देखो लोडिंग फाइल अपन जब नॉर्मली बनाते थे जावास्क्रिप्ट में या फिर रिएक्ट जेएस के अंदर, तो उसके अंदर आपको एक लोडिंग दिखाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी वो आपको खुद ही मालूम है कि अगर आप यूट्यूब पे कभी सर्च करोगे ना लोडिंग आइकन, तो वो एक पूरा जो ऑथेंटिकेशन या फिर जो आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ लगाते थे कि इसके अगर ये ऐसा नहीं है तो लोडिंग दिखाओ, ऐसा है तो लोडिंग मत दिखाओ, ऐसे सारी चीज़ें अपन लगाते थे, तो अब उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी ऑटोमेटिक उसको एक्सेस कर लेता है कि अगर वो रीलोड होने में टाइम ले रहा है या फिर वो आने में टाइम ले रहा है। अगर यहाँ पे मैं ध्यान करूँ, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे एक तरीका होता है जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंटरनेट को स्लो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे अभी वो तरीका दिमाग में तो नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क के अंदर कुछ होता है, इसके अंदर यहाँ पे मैनिफेस्ट डब्ल्यू एस कुछ इसी तरीके का होता है, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ होता है कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये रहा यही है ना शायद, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, और इसको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर मैं स्लो 3G कर दूँ, यहाँ पे होता है, अगर मैं इसको स्लो 3G मैंने इसको कर दिया, इसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे अबाउट पे जाता हूँ, यहाँ पे अबाउट वाले रूट पे गया, अब अबाउट वाले रूट पे देखो कितनी देर में जा रहे हैं, अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया आप यहाँ पे देखो क्या होगा, रीलोड हुआ, और रीलोड होने पे यहाँ पे लोडिंग आई होगी पहले, अगर मैं इसको दोबारा से अबाउट पे जाऊँ, अबाउट पे गया और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक किया यहाँ पे देखना लोड हुआ, लोड होते समय यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, इसके अंदर भी कर देता हूँ, अबाउट के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ लोडिंग डॉट जे एस एक्स, लोडिंग डॉट जे एस एक्स, और यहाँ पे आर ए एफ सी ई लोडिंग, और लोडिंग फ्रॉम अबाउट फाइल फोल्डर, अबाउट फोल्डर, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ अभी, तो अभी आप देखो यहाँ पे लोड हो रहा है और यहाँ पे बीच में लिख के आया भी था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लोडिंग लिख के आएगा बीच में भी, और यहाँ पे आया था, लेकिन क्या हो रहा, क्या रहा है कि वो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दिख ही नहीं रहा है, चलो ठीक है इसमें अभी कर देते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता था इसमें फास्ट 3G की जगह यहाँ पे नो थ्रॉटलिंग कर देते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपको इजीली मालूम पड़ रहा है, और यहाँ पे अपन को लोडिंग देखने के लिए मिल भी रही है, आप इतनी बार मैंने कर दिया तो आपको देखने के लिए मिल गई होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोडिंग डॉट जे एस एक्स क्या कर रहा है, कि अगर आपका जो भी कंपोनेंट है वो जब लोड हो रहा है तो लोड होते समय अगर उसको कोई देरी लग रही है तो ऑटोमेटिक लोडिंग डॉट जे एस एक्स वो चीज़ आ जाती है, उसको कुछ भी अलग से आपको ऑथेंटिकेशन या कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी बेसिक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर था। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे रूट डॉट जे एस है जो API के लिए होता है, अपन बैकएंड को समझेंगे बहुत ईजिली समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पेशल फाइल थी पेज डॉट जे एस का इंपोर्टेंस आपने समझ लिया कि होना जरूरी है। लेआउट आपको मालूम है, मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये तो सबसे इंपोर्टेंट फाइल है, अगर इसके अंदर का अगर आपने कुछ भी कंटेंट अगर कुछ छेड़छाड़ जाना कर दी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा वैसे लेआउट का यूज क्यों करना है, मतलब अपन को लेआउट का अपन बहुत हाई यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना है कि जो आप चाहते हैं कि कितने भी पेज हों अपने वेबसाइट के अंदर, हर एक पेज के अंदर होना चाहिए,
तब आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर वो पेज ले सकते हैं। जैसे कभी कभी नेवबार ऐसा बनाना पड़ता है कि आपको हर वेबसाइट के हर एक पेज के अंदर डालना है उसको, हर एक पेज के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, नेवबार नाम का कंपोनेंट आप अलग से बनाओ और वो उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर दो। तो वो जिस तरीके से अपन को वो मतलब एप डॉट जे एस एक्स जैसा या फिर मेन डॉट जे एस एक्स जैसा ही है, जैसे रिएक्ट के अंदर मेन डॉट जे एस एक्स था ना, जिसमें आप चाहते हैं कि ऐप के अलावा कुछ और भी अगर इसमें बाय डिफॉल्ट रेंडर हो तो आप इस तरीके से कर सकते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे है कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि चिल्ड्रन नाम का प्रॉप का उन्होंने फ़ायदा उठाया था, जो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि उन्होंने चिल्ड्रन नाम के प्रॉप का जो फ़ायदा उठाया है उसी का जितनी भी फाइल अब यहाँ पर बन रही हैं। अब यहाँ पर चिल्ड्रन का मतलब आप ध्यान से अगर आपने समझा होगा यहाँ पर, तो जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐप के अंदर ही सारे फोल्डर बन रहे हैं, है ना। तो ऐप के अंदर फोल्डर बनने का मतलब क्या है कि वो जो जितने भी इसके चिल्ड्रन हो रहे हैं, अब इस फोल्डर के जितने भी चिल्ड्रन हो रहे हैं उन सब के अंदर एक पेज डॉट जेएस नाम का जो फाइल है उस फाइल को रेंडर किया जा रहा है, उसके अलावा किसी दूसरी फाइल को रेंडर नहीं किया जा रहा है। ये उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है एसईओ के लिए, क्योंकि उसे केवल इसी फाइल को लुकआउट करना है। अब उसे इस फाइल के अंदर जो जितने भी फाइल हैं उनको लुकआउट उसे करना ही नहीं है, उसे केवल एक फाइल को लुकआउट करना है। अब उस फाइल के अंदर भी लुकआउट करते समय उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा चेंज कर रहा है कौन सा चेंज नहीं कर रहा है। और आपने अगर लिंक एच आर ई एफ करके अगर कोई चीज़ पास की है तो वो तो प्रीफेच हो जाती है, जैसे ही आपका प्रोडक्शन में जाता है वो पहले से ही सब कुछ प्रीफेच हो जाता है, कुछ भी उसमें छुपाया नहीं रहता। तो इस वजह से क्या होता है, इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो रिजर्व फाइल है वो किस तरीके से हैं और ये जो राउटिंग जो हो रही है वो एक लिंक टैग की मदद से कितनी ईजिली अपन कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आपने फोल्डर बनाया, बस उसके अंदर राउटिंग हो गई। अच्छा, वैसे एक चीज़ और होगी आपको मन में अभी राउटिंग के अंदर, राउटिंग के अपन अगले वीडियो देखेंगे उसके अंदर और गहराई से देखेंगे, लेकिन अभी कुछ लोगों के दिमाग में आना चाहिए ना कि अरे डायनेमिक राउटिंग कैसे होती होगी, अगर मैंने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दिया फिर कैसे होता होगा। तो वो सारी चीज़ें आती होंगी दिमाग में, लेकिन अभी मैंने बेसिक राउटिंग सिर्फ इसलिए समझा दी है क्योंकि मुझे जो ये समझाना था कि रिजर्व फाइल क्यों है, किस लिए है, इनका काम क्या है, किस तरीके से काम होती है। तो राउटिंग जो है थोड़ी सी एडवांस लेवल की, या फिर बोल सकते हैं कि जो और थोड़ा यूज केस है उनके, तो उनको अपन आने वाली वीडियोज के अंदर, अगली वीडियो के अंदर समझ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और आपको अगर पसंद आई ये वीडियो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, अगर लाइक मतलब यहाँ पर भी बोल दिया करना, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे भी आपको मन होना तो आगे बोल दिया करना कि यार अच्छी वीडियो थी ये वो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।